उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे। आइए आपको बताते हैं कि पत्रकारों से वार्ता करते वक्त अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नसीमुद्दीन शाह के बयान पर आए पाकिस्तान के पीएन इमरान खान के जो बयान था उस पर क्या टिप्पणी कही। उन्होंने कहा कि देखो भैया, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं वह सुरक्षित भी हैं और यहाँ के अल्पसंख्यक को संवैधानिक अधिकार भी है, सामाजिक अधिकार भी है और शैक्षिक अधिकार भी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जो टिप्पणी की है वो बेहद शर्मसार है और ज़रा हमें बताएंगे कि कितने डॉक्टर और कितने APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग इन्होंने पैदा किए हैं, आज़ादी के बाद कितने यूसुफ यहाँ पैदा हुए हैं, सलमान खान, आमिर खान जैसे लोग पैदा हुए हैं। पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई बयानबाजी दी। ये आपको ले चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश के रामपुर में और दिखाते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने क्या जानकारी दी। एक विकास और विश्वास का माहौल है, उस विकास और विश्वास के माहौल को और मजबूत बनाने की जरूरत है और ताकत देने की जरूरत है और इस विकास और विश्वास के माहौल के महानायक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनफॉर्चुनेटली कुछ मनगढ़ंत झूठे बेबुनियाद आरोपों के माध्यम से एक सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश हो रही है। राफेल जैसे मुद्दे पर जो एक सुनियोजित साजिश के तहत थोड़ी पीछे कर लो झूठे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो शुद्ध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है और उस षड्यंत्र के लिए कुछ भारत विरोधी ताकतों द्वारा कांग्रेस पार्टी को सुपारी दी गई। थैंक यू। नकवी जी, नसीरुद्दीन शाह के बयान पर पीएम पाकिस्तान के पीएम का बयान आया है कि जिन्ना साहब भी ये कहते थे इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि मुसलमानों के साथ ये होना था जो आज नसीरुद्दीन शाह ने कहा। भैया, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है जी वो सुरक्षित भी है, ये वहाँ यहाँ का अल्पसंख्यक जो है वो उसको संवैधानिक अधिकार भी है, सामाजिक अधिकार भी है, शैक्षणिक अधिकार भी है और धार्मिक अधिकार भी है। जरा ये जो इमरान खान साहब इमरान खान नहीं इमरान खान साहब जरा हमको बताएंगे क्या कि पाकिस्तान में कितने फखरुद्दीन अली अहमद पैदा हुए आज़ादी के बाद, कितने डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए, कितने APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए, कितने यूसुफ खां पैदा हुए, सलमान खां पैदा हुए, आमिर खां पैदा हुए, ये खां वो खां कितने पता नहीं खां पैदा हुए, क्या एक भी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बन पाया, क्या एक भी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति की कला और उसकी काबिलियत की कदर वहां सुनाई पड़ी हमें। तो इसलिए जो है वो 100 चूहे खा के बिल्ली को हंस के चली वाली स्थिति है। तो नसीरुद्दीन शाह के जो बयान है उनके बयान को किस तरह से देखते हैं फिर आप, कि उन्होंने कहा कि डर का और दहशत का माहौल है, उसको उन्होंने कहा कि वो उसको क्लियर किया उस, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बयानों का कई लोग दुरुपयोग करते हैं और ऐसी ताकतें जो ताकतें की भारत विरोधी हैं वो जरूर करती हैं, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अच्छा, गठबंधन हो रहा। रामपुर से फहीम खान की रिपोर्ट, टीम TV News चैनल रामपुर, उत्तर प्रदेश।